हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु के नाम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह जो हम सभी के ऊपर हुआ, वो अनुग्रह की वजह से आज हम जीवित हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज हम सही सलामत है क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। हम धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत अनुग्रह के लिए। आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बात को सीखना मांगते हैं और मेरी यह प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दे, हमें मार्गदर्शन दे कि हम उस बात को अच्छी तरह से समझने पाए। आमेन। प्रभु का वचन भजन संहिता उसका 90वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, साम्स चैप्टर 90:12, यहाँ पर प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। दाऊद जो एक राजा थे, यहाँ पर ऐसी प्रार्थना करते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। क्यों ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गरीब हो या धनवान, जवान हो या बूढ़ा, पुरुष हो या स्त्री, बड़ा हो या छोटा, सबको एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है। यही बात इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। दाऊद जो राजा थे, उनको ये बात पता थी कि मनुष्य को एक ही बार मरना है और उसके बाद उसका न्याय किया जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान बने, इस पृथ्वी के ऊपर आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। हम ऐसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं, उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं, उस पवित्र आत्मा जिसने हमें मदद की, सहायता की ये बात को समझने के लिए, इसलिए प्रभु की स्तुति करते हैं। और आज हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए, इस पृथ्वी के ऊपर जब तक हम हैं, प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। हम भी यही प्रार्थना को दोहराए, हम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगे कि प्रभु हमें भी अपने दिन गिनने की समझ दे। दाऊद भले ही एक राजा थे, फिर भी ऐसे प्रार्थना करते हैं। हमें भी वही प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें आपका अनुग्रह दे कि हम हमारे दिन को इस पृथ्वी के ऊपर जो आपने हमें दिए हैं, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घड़ी को प्रभु हम आपके लिए उपयोग करने पाए। और हमारी ये प्रार्थना है, स्वर्गीय पिताजी हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमारे उठने बैठने में, हमारे बोलने चलने में, हमारे सोचने और समझने में, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।